आर माधवन इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म रॉकेट्री द नंबर इफेक्ट को लेकर चर्चा में है। आर माधवन ने इस फिल्म में बतौर निर्देशक और अभिनेता दोनों की भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित इस फिल्म की रिलीज होते ही हर तरफ चर्चा होने लगी। बता दें, अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण पे कांग्रेस सरकार ने देशद्रोही का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल में डाल दिया था, जिसके चलते उन पर कई सारे जुल्म किए गए। लेकिन नंबी नारायण ने खुद को सही साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो जीत गए। लेकिन उनकी जीत से कांग्रेस सरकार के एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था। आर माधवन की इस फिल्म को जो कोई भी देख रहा है वो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक इससे अच्छी फिल्म नहीं देखी। यहाँ तक कि हर क्रिटिक इस फिल्म को 3 से 4 स्टार्स दे रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि ये फिल्म जरूर देखे। हर कोई माधवन की एक्टिंग की सराहना कर रहा है। फिल्म के किरदारों में जिस तरह से एक डायरेक्टर के तौर पर आर माधवन ने जान डाली है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म की इतनी तारीफ होने के बावजूद लोग इस फिल्म को देखने नहीं आ रहे। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि सिनेमाघरों में इस फिल्म का एक भी पोस्टर नहीं लगाया गया और तो और शो की टाइमिंग भी कुछ इस तरह रखी गई कि लोग चाहकर भी इस फिल्म को देखने नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, इस फिल्म के शो के कैंसिल होने की भी शिकायतें कई बार आई हैं। दरअसल ये काम उन मराठी शोज का है जो आज भी कांग्रेस सरकार के चहेते हैं और पैसे और रुतबे का इस्तेमाल कर शोज में घपलेबाजी कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज के टाइम पे किया गया था। आप सभी जानते हैं कई जगहों पे द कश्मीर फाइल्स तब तक रिलीज नहीं हुई थी जब तक वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ था। बताया जा रहा है आर माधवन के साथ ये साजिश बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। इस फिल्म में किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने पैसा नहीं लगाया, जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए गए और इस फिल्म को बनाया गया। 20 जून को आर माधवन फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उस दौरान माधवन पत्रकारों से मिलना चाहते थे, लेकिन आर माधवन को बताया गया कि उस दिन भारत बंद था, जिसके चलते कोई भी पत्रकार उनसे मिलने नहीं आया। आप सभी को याद होगा, भारत बंद के दौरान देश भर में कोई भी असर नहीं होता, इसके बावजूद कोई भी पत्रकार माधवन से नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर माधवन के साथ किस तरह की साजिश की जा रही है। बता दें, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आर माधवन की फिल्म साला खड़ूस के साथ भी यही घटना हुई थी। तो इस पूरी खबर पे आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और बॉलीवुड की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।